हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन पहले से जमी हुई है, आपको केवल इससे कंपेयर करके देखना है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इससे कंपेयर करके देखोगे। ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा sec x और q का वैल्यू कितना हो जाएगा tan x। अब देखो सबसे पहले आइए अपने निकाल दो e इंटीग्रेट p डॉट dx लगा के, p का वैल्यू कितना है sec x डॉट dx है। sec x का कितना होता था log sec x प्लस tan x, और आपको पता है जब e के ऊपर log की वैल्यू लगी रहती है तो केवल आंसर वही वैल्यू होती है sec x प्लस tan x, हुआ नहीं होगा। अब आप इक्वेशन बनाओ अपनी, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू sec x की वैल्यू कितनी है, sec x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेट q की वैल्यू कितनी है tan x और फिर sec x प्लस डी एक्स प्लस सी। देखो y sec x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेट, tan x को पहले से मल्टीप्लाई करो तो sec x डॉट tan x हुआ, फिर tan x को इससे मल्टीप्लाई करो तो tan स्क्वायर x हो गया ये, और ये dx प्लस c। अब आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस x, है ना। y sec x प्लस tan x, ठीक है सर, दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग कर दो। इंटीग्रेट sec x tan x डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेट क्या होगा tan x tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट डी एक्स प्लस सी। क्लियर है? हाँ सर। आगे देखो sec x प्लस, अब देखो इंटीग्रेट करो एक एक, sec x डॉट tan x का कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x दे रखा है, इसका कितना हो जाएगा tan x का, ये वैल्यू कितनी हो गई देखो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गई। इन दोनों को क्या करो सेपरेट कर दो, जैसे ये वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x की जगह क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। क्लियर है? अब sec स्क्वायर x का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेट 1 डॉट डी एक्स। एक सेकेंड वापस से लिखता हूँ इसको, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन इस वाले कलर को चूज करके कर लेते हैं आगे। हाँ क्या कह रहा था मैं, sec x प्लस tan x है तो इसका कितना हो जाएगा सर, इसका तो हो जाएगा हमारे पास sec x, ठीक है, और फिर sec स्क्वायर x है तो इसका हो जाएगा tan x, और फिर 1 है तो उसका हो जाएगा माइनस x और ये प्लस, ये लो। क्लियर है क्या ये? हाँ आप चाहो तो इनको अपॉन में भेज सकते हो वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके, बाकी ठीक है, ये आंसर एकदम राइट है आपका। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर्थ।